पॉजिटिव हो के देख रही हूँ, क्योंकि जब एक ऐसी पर्सनालिटी बाहर आती है और सोसाइटी को मैसेज देती है जिसे सारी दुनिया जानती है और सब लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, क्योंकि उनके वजह से, मेघना मैम के वजह से सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को देख रही हूँ। आपके साथ दीपिका जी ने इतना टाइम स्पेंड किया, क्या कुछ हुआ, कुछ आपकी यादें उनसे जुड़ी हुई? अभी तक भी आप देख रहे हैं सारी यादें ही हैं, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो सारी बहुत खूबसूरत यादें हैं। कोई स्पेशली जब भी हम मिलते हैं और वो खूबसूरत पल ही होता है हमारे लिए। कुछ ऐसी चीज़ जो दीपिका ने आपसे कही हो, या कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छू गई हो? सारी बातें उनके दिल को छूती हैं। जो लोग आज भी विक्टिम बन के जी रहे हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं और इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो जो लोग विक्टिमाइज कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ें, लोगों को पीड़ित बोलना छोड़ दे, विक्टिमाइज़ करना छोड़ दे। दूसरा ये भी, जो लोग अपने आप को बेचारा बना के चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें कोई मदद नहीं करता। आपकी मदद तभी कोई कर पाएगा जब आप खुद की मदद कर पाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने घर से आवाज़ उठाना, क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा जो अटैकर्स होते हैं, जो नोन होते हैं, वो घर के अंदर के ही लोग होते हैं जो अटैक करते हैं। तो घर में जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें चुप्पी ना थामे, अपनी आवाज़ को बुलंद करे, अपने अधिकार के लिए लड़े।